हेलो एंड वेलकम। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के, जो एक्सपेक्टेड है, जो क्लास फोर्थ पोस्ट्स के लिए आ सकते हैं। तो हम आज कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। पहला एमसीक्यू, द हिमालयन माउंटेन्स कवर्स ए डिस्टेंस अबाउट, जो हिमालयन माउंटेन्स है उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की है। पहला ऑप्शन 2400 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 2800 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 3000 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 1200 किलोमीटर। तो इसका आंसर है पहला पार्ट 2400 किलोमीटर। दूसरा एमसीक्यू, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस इज कॉल्ड, जो हिमालयस की जो आउटर मोस्ट रेंज है उसको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री, शिवालिक्स, पूर्वांचल या लेसर हिमालय, उसको हम कहते हैं शिवालिक्स। या आप अपनी कॉपी पे लिखना, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस इज कॉल्ड शिवालिक्स। द हाइट ऑफ कंचनजुंगा इज, जो कंचनजुंगा एक पीक है उसकी हाइट कितनी है। पहला ऑप्शन 8848 मीटर्स, दूसरा ऑप्शन 7817 मीटर्स, तीसरा ऑप्शन 8598 मीटर्स, चौथा ऑप्शन 7756 मीटर्स। तो इसका आंसर है 8598 मीटर्स। द नॉर्दर्न प्लेन इज मेनली फॉर्मड ऑफ, जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमालयन माउंटेन्स का, वो किस सॉइल का मेनली बना हुआ है। पहला ऑप्शन एलोवियल सॉइल, दूसरा ऑप्शन ब्लैक सॉइल, तीसरा ऑप्शन रेड सॉइल, चौथा ऑप्शन एरिड सॉइल। तो इसका आंसर है एलोवियल सोयल। इसी एलोवियल सोयल की वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन है वो फर्टाइल बनता है, और जो ब्लैक सोयल है इसको हम कहते हैं रिगर सोयल भी, या कॉटन सोयल भी, क्योंकि इसमें कॉटन को ग्रो किया जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 5 लेख स्क्वेयर किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 7 लेख स्क्वेयर किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 3 लेख स्क्वेयर किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 9 लेख स्क्वेयर किलोमीटर। तो इसका आंसर है 7 लेख स्क्वेयर किलोमीटर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज, जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको कुछ उसके कुछ हिस्से हैं, जो उसका बड़ा हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन बांगर, बी ऑप्शन तराई, सी ऑप्शन खादर, डी ऑप्शन कंकर। तो इसका आंसर है बांगर। ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, जो इसमें सॉइल पाई जाती है उसका नाम है कंकर। कंकर में कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं। इन विच रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन स्ट्रीम्स डिसअपीयर, किस रीजन में जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपीयर होती है। बाबर, तराई, बांगर, डी नन ऑफ एबो। इसका आंसर है बाबर।
ये 8 to 16 किलोमीटर विड्थ होती है इसकी। ये पहला पार्ट होता है जब मूटेंट से जो स्ट्रीम से फ्लो करती हैं तो वो पहले इसी में आती हैं, तो इसीलिए हमें दिखता है ये स्ट्रीम्स गायब हैं। कंकर सॉयल इज प्रेजेंट इन, मैंने अभी पहले कहा, अभी एक ऑब्जेक्ट में कहा इसका आंसर। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह ये इसकी तरफ ध्यान दिया होगा तो आप ये करेंगे। कंकर सॉयल इज प्रेजेंट इन तराई, बांगर, बाबर, ऑल ऑफ द एबो। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका आंसर है बांगर। मैंने अभी कहा बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। जो इसमें सॉयल होती है वो कंकर सॉयल होती है जिसमें कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स इज कॉल्ड, हिमाद्री, पूर्वांचल, शिवालिक्स, नन ऑफ एबो। हमें पता है शिवालिक्स आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कहते हैं, तो ये नहीं लगेगा। तो इसका आंसर है हिमाद्री। हिमाद्री को हम इनर हिमालय भी कहते हैं, और जो पूर्वांचल है इनको हम कहते हैं ईस्टर्न हिल्स भी। तो इसका आंसर है हिमाद्री। थैंक यू।